या इट्स मी जेरिसो लोगिस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज अभी 2:55 बजे है और अभी मुझे एक भैया का कॉल आया और भैया ने कॉल करके बोला कि भाई मैं अपनी कार का डिलीवरी लेने के लिए जा रहा हूँ न्यू टाउन और तू भी आ जा हमारे साथ चल। तो अभी काफ़ी बारिश हुआ है इधर, पता नहीं रास्ते पे क्या होगा, बारिश होगा और हो भी सकता है बारिश, मुझे पता नहीं क्योंकि वेदर आज का कुछ ऐसा ही है। और अभी बजे है 2:55 और तो चलते हैं एक साथ मीट करके निकलना है। तो वीडियो को पूरा देखो एंड तक, मज़ा आने वाला है, बहुत ही फन रहने वाले है आज। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फुटप्रिंट जेरी यूट्यूब चैनल को। एक्चुअली जेरी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम प्रोबीर है। तो फुटप्रिंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश बहुत ही तेज़ी से चालू हो गया और हमने कैब बुक किया है तो फिलहाल के लिए कैब आने तक वेट करते हैं। कैब में बैठते बैठते बहुत ही ज़्यादा भीग गया हूँ और बाहर जैसे कि देख रहे हो बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रहा है। और गाइस, हमारे यहाँ अभी पहाड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाहर देख रहे हो। एक्चुअली ये पहाड़ नहीं है, ये कबाड़ है, जो बोरानगर एरिया से हो इसके आसपास की लोकेलिटी से उन्हें पता है और बाकी लोगों को नहीं पता है। शुक्र है बारिश धीमे हो गया है। बारिश ही बारिश में गाना सुनते सुनते हम आ चुके हैं न्यू टाउन में, 1 घंटा का सफ़र। तो कैब से उतरने के बाद भी हमारे पास छाता था पर फिर भी भीग गया, कोई बात नहीं। और हम यहाँ के ऑफिस पे आ चुके हैं। इस तरीके का कुछ है इन लोगों का ऑफिस, वो देखो कस्टमर डीलिंग चल रही है उधर। हम थोड़ा वेट करते हैं उन लोगों के बाद हमारी। और गाइस, तो यहाँ आते ही वेलकम ड्रिंक से, मतलब चाय से हमें स्वागत किया गया है। और हमारे साथ है एक भैया, मतलब ये भैया तोनेरा, ये आज कार लेने वाले हैं इसीलिए इधर आए हैं उनके साथ। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा। कितना, मतलब अंदर से खुशी हो रहा है ना? बहुत खुशी हो रही है। आप समझ ही सकते हो एक खुद का कुछ होने में कितना अच्छा लगता है आप लोगों को। सो वीडियो को पूरा देखो और भी आगे मज़ा आएगा। और ये देखो और बात बता दूँ, ये पूरा वीडियो जो है ये कार देखो की ऑफिस से हो रहा है और ये जहाँ हम आए हैं वो भी एक कार देखो ऑफिस से है। कार देखो एक सेकेंड हैंड कार का ऐप है जो कि आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो और ये यहाँ आके आप डीलर से डील कर सकते हो। एक बिल्डिंग है उसके नीचे ऑफिस बनाया हुआ है और ये जब इतने सारे कार्स पीछे है तो ये सब भी सेल के लिए ही रखे गए हैं। तो आप भी इधर आ सकते हो, ये है न्यू टाउन और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी एक बार ज़रूर से विजिट करना इधर। क्या बोलो पूरा भीगा हुआ है शर्ट है, अभी हमारा भी थोड़ा थोड़ा भीगा है, हमने ज़्यादा नहीं भीगा पर वो सायन तो पूरा ही भीग चुका था। और मुझे भी नहीं पता कौन सी कार है, वो तो भैया ने खुद से फिक्स करके रखी है। तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए, आप लोगों तो थंबनेल में देख ही चुका होगा कौन सा कार है तो वगैरह वगैरह। सो आए थे वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए और अभी अंदर बुलाया है, लगता है कागज़ सब तैयार हो गया है। न्यू टाउन ऑफ। गाड़ी के पेपर्स हो गया कंप्लीट, पेपर्स वगैरह सब कुछ समझा दे रहे हैं और फिलहाल तो ये एक सेकेंड हैंड कार है तो इस सब के बाद देखने चलेंगे कि वो कार ठीक से वॉश वगैरह करके दिया है कि। ओ अच्छा, ये वाला कार काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और गाड़ी की कुछ चेकिंग वगैरह कर रहा है, अभी थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेने की बारी और पार्किंग में ही चेक करा जा रहा है। तो गाइस, गाड़ी की चेकिंग हो गई है कंप्लीट, देख लिया है चेक करके क्या क्या है क्या क्या नहीं है कैसा चल रहा है। अभी कागजात कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर घर जाना है। गाइज, इसीलिए न्यू टाउन से हमें इतना लगाव है, बहुत ही शांत और अच्छा प्लेस है। ये भटकता आत्मा इधर भटक रहा है, कोई बात नहीं। कितना बजे है अभी चेक करते हैं, करीब 6:53 अभी हो रहा है। अंधेरा हो ही गया है पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है और काम कंप्लीट होते ही हम घर की तरफ जाएंगे।
यहाँ पे गाड़ी का कागज़ वगैरह सब कुछ, नेम ट्रांसफ़र सब कुछ समझा दिया जा रहा है। इतना सारा हार्ड कैश ये लोग एक साथ नहीं लेते, इसीलिए कुछ कैश और कुछ ऑनलाइन में किया गया है। देखो कार अभी पार्किंग से बाहर आ गया है, वो देखो। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला एक की दिया गया है, जो कि सिर्फ शो के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए है, और असली की तो गाड़ी में है। कॉन्ग्रेचुलेशन दादा। मैं भी एक बार चला के देख रहा हूँ कि कैसा है ये कार। और काफ़ी रात हो चुका है, तो अभी ये सब फोटो खींचने के बाद घर चलना है। तो गाइज़ यहाँ बेलगोड़ी एक्सप्रेसवे पे एक अच्छा चाय का दुकान है, जो कि मेरा फेवरेट है, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। अभी बेलगोड़ी एक्सप्रेस वे पे आए थे चाय पीने के लिए, ये देख सकते हो, पेटू महाराज, बहुत ही अच्छा नाम है। देखो गाइस कितने फंकी ये वाला का आँख में पट्टी, और ये वाला तो गाना ही सुन रहा है, इसको देख रहा है। तो अभी बेलगोड़ी एक्सप्रेस वे चाय पीने के लिए रुके थे। यो चाय काफ़ी अच्छा है यहाँ का। चाय मैं जब भी इधर से पास करता हूँ कभी ना कभी तो इधर रुक के चाय पीता ही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। पीना ख़त्म, घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। Thank you very much guys for watching this video at the end. Hope you guys enjoy the video and subscribe Footprint YouTube channel and turn on the notification bell for never miss another update. See you guys in the next video. Over and out.